अब आप लोग मजा ले रहे हैं। मजा हम लोग ले रहे हैं। नहीं मजा ना ले से जरा कहानी अब गोड़े में गड़ जाए काटा। ओ तू सिखावे लो मम्मी। अमरुद खा कहती है हम पढ़ लिख के हम एसडीएम बनब। नून रोटी खाएंगे बाकी मेहरारू नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है परिवार का मान सम्मान इज्जत बना के रखिए बचा के रखिए। हेलो दोस्तों नमस्ते राधे राधे। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं अपने पुराने खंडहल में। इधर हमारी मम्मी जी नमस्ते। खुश रहा जय श्री कृष्ण राधे राधे। बच्चों आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक है तो हम लोग ठीक ठाक है। हमारी पूरी पब्लिक ठीक है। उधर हमारे पति जी चढ़े हैं पेड़ पे अमरुद तोड़ने। इधर देखिए हमारे पति जी पेड़ पे हैं अमरुद तोड़ने गए हैं। भाई जिनको जिनको अमरुद खाना जाके खा लीजिए। हाँ, पकड़िए देखिएगा मम्मी जी पकड़िए। छोटू अमरुद खाएगा? आओ और देखिए मम्मी जी अमरुद को रोक रही हैं। हम लोग अमरुद रोक रहे हैं आप लोग ऐसे खा लीप जाए। आप लोग आई सब खा ले जा। हम कैसे उतरी पहले और रास्ता बताएं जा। कैसे चढ़े हैं बुद्धि ना है काम कर रहा था हमारा। अब आई चवन ने बुआ बना सब काटा बा कैसे उतरी हटी मम्मी का देखिए हमारे पति जी पेड़ पे से उतर रहे हैं। देखिए उतर रहा है। हटियो हटियो छोटू हटियो। अब कैसे उतरी कैसे चढ़े हैं? और देखिए हमारे पति जी कूद गए। हेलो दोस्तों नमस्कार प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और दोस्तों अभी शाम के टाइम में हम लोग आ गए थे थोड़ा सा टहलने घूमने के लिए। मतलब हवा वगैरह इधर अच्छा लगता है तो इसलिए हम लोग इधर आ गए थे। और भाई अमरुद काफी पका हुआ था तो सोचे हैं कि काका अमरुद खा लिया जाए बैठे बैठे। हाँ, क्या किया जाए कितना। भाई जानते हैं क्या हुआ है? इधर दिखाइए इस पेड़ पर से कूदना था। हाँ फरी आ गई है। फरी आ गई है। क्या हुआ है देखिए इधर नेबुआ है ना तो इधर इसमें सब कांटा वगैरह है ना तो इसलिए हम इधर से नहीं उतरे हैं इधर से उतरे हैं। तो ये डर लग रहा था कहीं पैर में धंस जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अब आप लोग मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं। नहीं मजा ना ले जरा कहानी अब गोड़े में गड़ जाए काटा। ओ तू सिखावे लो मम्मी। अमरुद खा देखिए इतना सारा अमरुद तोड़े हैं अभी। भाई आप लोग देख सकते हैं इतना सारा अमरुद तोड़े हैं। बाकी उधर नहीं मिल रहा था अभी उधर जाके तोड़ेंगे। और भी और दोस्तों मम्मी जी अभी जा रही हैं खेत में काम करने के लिए। और देखिए छोटू इधर है क्या अमरुद तोड़ रहा है। गुड इवनिंग बोलिए। गुड इवनिंग पापा को सपोर्ट करिए गबड़ाई। गुड इवनिंग पापा को सपोर्ट करिए ऐसे बोलता है। रुक जा बेटा रुक जा रुक जा। उधर रितेश आ रहा है। और दोस्तों अभी देखिए उधर हमारा बेटा रितेश आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है बिल्कुल एकदम नाराज है। नाराज है हमें पता है क्यों नाराज है। इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा। हाँ गुड इवनिंग बोल दीजिए बोल दीजिए बोलिए। मम्मी जी ये नहीं बोल रहा है। बोलता हो बोलता। देख रहे हैं गुस्साया ना। हाँ। भाई ठीक है गुस्साया तो कोई बात नहीं इसको कुछ नहीं दिया जाएगा। हाँ, नहीं बोलेगा नहीं खाएगा ना कुछ इसको दिया जाएगा। एक रुपया नहीं दिया जाएगा। अब पढ़ने जाएगा वैसे जाएगा। काफी किताब इसका नहीं खरीदेंगे। ठीक है मत कर दीजिए। ठीक है तो भाई देखिए छोटू आ चुका है इधर। और देखिए भाई ए बी सी डी लिख रहा है। देखिए लिखने में लग चुका है। लिख बेटा लिख पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब। देखिए सपना जी भाई कपड़ा वगैरह धुल के रखी थी तो उतार रही हैं। उतार के उधर चलिए। कहाँ चलेंगे? उधर चलना है। बस सोच रही कहाँ चलना है। मम्मी उधर घास काट रही है ना इधर आइए। और दोस्तों मम्मी जी का भी खेत में जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है। और भाई इधर आके घास वगैरह देखिए काट रही हैं। घास काटने में लग चुकी हैं। सोचिए कि अब खेत नहीं जाएंगे इधर पहले घास ही काट लें। घास देखें इनको लालच आ गया है भैंस का खाने का इंतजाम करने लगी हैं। घास देखने तो हमारे लालच आ गई खेते नहीं जतनी अब घास काटो तनी घास काटो। और देखिए भाई अभी रितेश का पेट नहीं भरा अमरुद से। इधर आजा तोड़ेंगे इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर अभी तोड़ेंगे इधर आजा। तो अभी देखिए मम्मी जी इधर लगा दी हैं कोहड़ा वगैरह है। कोहड़ा है इधर है इधर है। देखिए कोहड़ा है लौकी है बहुत सारा मतलब इधर सब्जी वगैरह लगा दी है क्योंकि इधर कोई रहता नहीं है तो
इधर अब तैयार हो जाएगा, तो जिनका है वो भी जाके ले जाएंगे और हम लोग को भी एक मिल जाएगा खाने के लिए। तो भाई सब्जी वगैरह चलता रहेगा बदवारा में। भदवारा का इंतजाम हुआ है अभी यहाँ पे, उतना ऊपर ऊपर पका हुआ है मिल नहीं रहा है, अब देखते हैं कहाँ से तोड़ना है। ठीक है ना, रंदा इसके लिए तोड़ देते हैं। पहले तुझे मेरा चप्पल लेकर, मैं चप्पल नहीं पहना, पैर में कुछ लग जाएगा। आराम से आराम से आराम से। दोस्तों भी देखिए रितेश चप्पल लेके आ चुका है, दो बेटा चप्पल पहन लेते हैं पहले, तो पैर में कुछ धंस जाएगा। मम्मी उंगली तोड़ रही है। मम्मी तोड़ रही है। ये देखिएगा पढ़ के आ गया, अभी लिख रहा था ना, तू जा लिखने जा। तो दोस्तों भी देखिए सपना जी घास काटने में लग चुकी है, और दोस्तों मम्मी जी अभी उतने में खर पतवार था उसको निकाल निकाल के फेंक रही हैं, पूरा सफाई कर रहे हैं, सफाई होता पूरा घास काट लेंगी। और दोस्तों ये खुशी की और बात है कि सपना जी कह रही थी कि पढ़ने के लिए, कह रही थी कि हमारा नाम लिखा दीजिए और हम भी पढ़ेंगे। मम्मी जी कह रही थी पढ़ने के लिए, क्या किया जाए, इनका नाम लिखा दिया जाए? लिखा दे कहती हम पढ़ लिख के हूँ SDM बनाऊँ। इस टाइम जानते हैं चल रहा ना कि ये ज्योति मौर्या थी तो वो SDM बन गई हैं, तो कह रहे हैं कि हम भी SDM बनेंगे, हम भी किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। हाँ आसानी बताओ, जानता नहीं बढ़ू तू। भाई देखिए इनका हम नाम हम नहीं लिखाएंगे मम्मी जी। हाँ। ठीक है ना, अरे धोएंगे पलट बाकी इन्हीं के संग हवा, जिंदगी अपना बिताएंगे, नून रोटी खाएंगे, बाकी मेहरारू नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है, सब एक ही जैसा नहीं रहता है। हाँ ये तो बात है दोस्तों, सब एक ही जैसा नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग मतलब जितने भी हमारे दीदी भैया मम्मी पापा देख रहे हैं, तो देखिए ये एक सीख है आप लोगों के लिए कि अपनी फैमिली के साथ मतलब कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी फैमिली का इज्जत अपने ही हाथ में होता है। और दोस्तों अपनी फैमिली का मतलब कभी भी नाम नीचा नहीं करना चाहिए, इज्जत नहीं खराब करना चाहिए। तो ये एक सीख है कि मतलब जो भी हमारे दीदी पढ़ रही हैं, चाहे जो भी मतलब भाभी वगैरह जो भी हैं, मतलब जो बहू हैं और जो पढ़ रही हैं, तो मतलब जो ज्योति मौर्य जैसा काम की हैं वैसा काम आप लोग कभी ना करिएगा, क्योंकि अपनी फैमिली का इज्जत सबसे बड़ा होता है। नहीं मम्मी जी? हाँ ये बाबू, अपने फैमिली के इज्जत बहुत जबर होला। हाँ फैमिली का नाम कभी नीचा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं नीचे करे चाहिए। नहीं सपना जी? हाँ खूब अच्छे से रहना चाहिए। हाँ सब लोग आप लोग अच्छे से रहिएगा, और देखिए सपना जी कह रहे हैं सब अच्छे से रहिएगा। जी हाँ दोस्तों आप लोग अपने परिवार में हमेशा हंसी खुशी से रहिए, और दोस्तों अपने परिवार का मान सम्मान इज्जत बना के रखिए, बचा के रखिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, अगर भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, और भाई के चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। हाँ भूलिएगा नहीं, सपना जी कह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्योति मौर्या भी बनेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। इधर देखिए छोटू हमारा बेटा आ गया।